Hey y'all, come look at this. Good morning guys. तो बताओ यार कैसे हाल चाल। सो ये वीडियो हम लोग करने वाले MI 11X Pro का फुल गेमिंग टेस्ट। एक साल मैंने यूज किया फोन को, उसके बाद यार गेमिंग टेस्ट तो लाना पड़ता है ना। तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इस फोन को बाई करना चाहते हो, फिर आप लोग बाई कर चुके हैं, आपके पास अगर है तो क्योंकि आप लोग ये वीडियो को जरूर देखना। और अगर सेकंड हैंड बाई कर रहे हैं तो फर्स्ट हैंड बाई कर रहे हैं तो हर एक यूजर के लिए, हर एक बायर के लिए ये फोन बहुत ही ज्यादा, मतलब ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर MI 11X Pro को हम लोग यूज कर रहे हैं, एक साल लगभग हो चुका है। तो उसके बाद यार रिव्यू तो बनता है ना, फोन कैसा चल रहा है, फोन का बैटरी बैकअप कैसा दे रहा है, फोन का मतलब चार्जिंग वगैरह, सॉरी यार बैटरी बैकअप और चार्जिंग तो सेम ही होता है, उसके साथ फोन कितना ज्यादा हीटिंग हो रहा है, फोन का ट्रिपल लेयर से हीटिंग करना है, बहुत ही ज्यादा बदनाम है। तो ये सब के ऊपर रिव्यू तो बनता है ना। सो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, अगर आप लोग बाई करना चाहते हो और आप लोग यूज कर रहे हो तो भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अपडेट वगैरह आप लोगों को करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ के बारे में लोग वीडियो में बताने वाले। और गाइस चलिए यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अरे भाई फोन भी है, हैंड कैम करके आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं। तो चलो गाइस विचार विमर्श ना करके चलते हैं वीडियो की तरफ। आज भाई हैंड ग्लव्स भी है, रिवील हो गया भाई। बहुत ठंड है, आप लोग कमेंट में बताना आप लोग इधर कितना है, मतलब कैसा ठंड है, ओके कमेंट कर बताना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फोन आ चुका है और गाइज यहाँ पे ये फोन में देख सकते हो हम लोग करने वाले क्या HDR और एक्सट्रीम पर गेमिंग टेस्ट। क्योंकि भाई यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 गेम के मामले में, हीटिंग के मामले में पहले से ही बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो गाइज देखेंगे कि एक साल बाद स्नैपड्रैगन 888, मतलब स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ऐसा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो एक साल बाद गाइज देखने वाले कैसा परफॉर्मेंस वगैरह देता है, कैसा ड्रॉप वगैरह हुआ है फिर नहीं। तो गाइज चलिए यार वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हीटिंग टेस्ट करके देखेंगे हीट कितना ज़्यादा होता है, बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले और भाई देखने वाले बैटरी कंज्यूम होता है, फोन का टेम्परेचर कितने तक जाता है। तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, लास्ट तक जरूर देखना। और भाई अगर आप ये फोन को बाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो चलो लास्ट तक देखो। सो गाइस स्टेडियम हमने स्टार्ट कर दिया और गाइस यहां पर HDR और एक्सट्रीम पर भी हमने स्विच कर दिया। तो अभी आप लोगों को ग्राफिक्स दिखा देता हूं और गाइस देखने वाला है फोन में परफॉर्मेंस कैसा देता है। और ऊपर हैंड कैम कर रहा है छोटा सा बच्चा मेरे लिए कर रहा है भाई, इसके लिए लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है भाई, इतना मेहनत कर रहा हूं हम लोग वीडियो बनाने के लिए भाई। स्टैंड वगैरह टूट गया मैंने पहले ही बताया, तो इसलिए भाई यहां पर थोड़ा स्टेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह दिक्कत वगैरह आ सकती, तो थोड़ा सा तो आपको कंप्रोमाइज करना होगा अपना भाई का थोपरा का। देख ये कैसा लग रहा हो भाई, पूरा बेइज्जती हो गया आज तो, गजब बेइज्जती है। तो इज्जत इज्जत साइड में रखते हैं और यहाँ पर गेम प्ले भी बहुत ज्यादा औसम होने वाला है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंजॉय करो। और कहाँ जा रहे हो साले, हाँ देखना पड़ेगा गेम प्ले से, गेम प्ले देखने के लिए नहीं बोल रहा मैं, देखना पड़ेगा क्योंकि रिव्यू बताऊंगा वीडियो के बीच बीच में फोन कैसा चल रहा है। अब कहाँ जाओगे साले, हाँ बहुत चला कर रहे हो, हाँ बहुत तेज हो रहे हो, हैं बहुत तेज हो रहे हो साले। अरे भाई पीरो बंदे पर आए मैच में, साला क्या मारा बे। स्टार्ट नहीं किया, 0-3 बेइज्जती हो गया साला। तो चलो यार रिवेंज तो लेना होगा, आगे देखते जाओ आप लोग। और भाई यहाँ पर देखो मतलब फोन का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है HDR और एक्सट्रीम पर, लैग वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिला अभी तक, मतलब अभी स्टार्ट किया ज़्यादा देर नहीं हुआ, फिर भी यार आगे देखते हैं कोई लैग वगैरह अगर देखने को मिला तो आप लोग को बता दूंगा वीडियो के बीच में। और गेम प्ले भी देखो बहुत ज़्यादा टक्कर वाला गेम प्ले होने वाला है, तो लास्ट तक देखो और बताना कैसा लगा। Thank you.
और भाई यहाँ पर काफ़ी देर तक हमने गेम को खेला है, कोई भी लैग वगैरह मतलब कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा एक दो बार थोड़ा सा देखने को मिला था, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। जो ग्लिच वगैरह गेम के अंदर देखने को मिलता है, ज़्यादा ही फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिलता है, वैसा देखने को नहीं मिला। सो गाइस आप लोग भी यहाँ पर फॉलो करो कि आप लोग को देखने को मिलता है फिर नहीं, और आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ। सो गाइस अभी तक गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर हीट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। फ़ोन हीटिंग होगा तो भाई बाद में आप लोग को लैग भी देखने को मिल सकता है। और भाई पर गेम को खेल रहा हूँ 5 से लेकर 6 मिनट हो चुका है, और अभी कड़ा यार थोड़ा मोरा फ्रेम ड्रॉप वगैरह थोड़ा लैग वगैरह मेरे को देखने को मिल रहा था, कभी कभी मिल रहा था भाई। और ये भाई फोन भी बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, मेरे को लगता है 41 डिग्री क्रॉस 40 डिग्री 41 डिग्री यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। क्योंकि तो गेम खत्म हो चुका है और भाई यहाँ पर डिपीट हार चुके हैं हम लोग। तो क्योंकि यहाँ पर आगे देखते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है भाई हाथ में। चलो यार देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर मोबाइल टेम्परेचर मीटर एप्लीकेशन में जाके देखते हैं कितना ज़्यादा हीट हुआ है। मेरे को लगता है भाई 40 डिग्री क्रॉस हो चुका है। तो गाइस देखते हैं यार, तो मोबाइल डिवाइस टेम्परेचर भाई 43.0 डिग्री भाई यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, 43 डिग्री पर है फ़ोन। सो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है फ़ोन, और रूम का जो टेम्परेचर है 31-32 डिग्री था, और गाइस यहाँ पर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। और हीट होने का और एक रीज़न हो सकता है HDR और एक्सट्रीम पर, और ब्राइटनेस भी हम लोग थोड़ा बढ़ा के गेम को खेल रहे थे। तो गाइस यार आप लोग यार कमेंट करके बताओ आप लोगों को कोई भी टाइम पे यार बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिला है फिर नहीं। मेरे को लगता नहीं, लेकिन भाई फ्रेम ड्रॉप तो देखने को मिला है काफ़ी बार, और यहाँ पर हीट होगा तो फ्रेम ड्रॉप होगा ही, हीटिंग भी महसूस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा पीछे। तो गाइस यार चलो यार आप लोग अभी डिसाइड करो फोन को आप लोग को बाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। और बैटरी की अगर बात करें, बैटरी कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। सो यहाँ पर 6 मिनट 26 सेकेंड गेम चला है, और भाई यहाँ पर अगर बात करें बैटरी का, तो यहाँ पर 4% बैटरी ड्रॉप हुआ है HDR और एक्सट्रीम पर। तो अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस का फोन का भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है फोन बाई करे फिर ना करे। सो गाइस यहाँ पर आप अगर डेली डे टू डे लाइफ यूज कर रहे हैं तो फिर भी भाई इसमें कमी है भाई, 33 वाट का चार्जिंग देखने को मिलता है। कैमरा अच्छा है फोन का, लेकिन भाई पर फिर भी यार बैटरी के हिसाब से चार्जिंग थोड़ा सा अभी का टाइम पे यार 66 वाट का 12 वाट का चार्जिंग देखने को मिलता है, चार्ज होने में 1 घंटे से ज्यादा लगा देता है। तो भाई इसके हिसाब से आप लोग को थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करना होगा अभी के टाइम पे, अभी के जनरेशन में आप लोग को और भी अच्छा डिवाइस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप लोग बाइक करना चाहते हो फिर भी बाइक कर सकते हो, फिर भी यार मेरे हिसाब से बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को 15-16 हज़ार में सेकंड हैंड देखने को मिल रहा है तो अगर आप लोग बाई करो, नहीं तो इससे अच्छा आप अगर पैसा दोगे सेकंड हैंड अगर OLX पे जाके आप लोग चेकआउट करोगे तो गाइस आप लोगों को और भी अच्छा खासा फोन आप लोग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि गाइस आप लोगों को MI 11X इससे कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। IQ Neo 6 आप लोग को 18 हज़ार में देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारा फोन आप लोग को लो प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग सेकंड हैंड फोन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कौन कौन सा फोन आप लोग को बाई करना चाहिए, आपका भाई वीडियो जरूर लाएगा, और भी जो ऑडियंस होगा उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग यार कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस चलो यार मिलते हैं ज्यादा कई बड़े सेकंड साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल गाइस, सपोर्ट कर दो अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लव यू ऑल गाइस, टाटा।